भारत और नेपाल के बीच तल्ख हो रहे रिश्तों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नया विवाद पैदा कर दिया है। अयोध्या को लेकर किए गए दावे से जहां भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है, तो वहीं केपी शर्मा ओली अपने ही देश में घिर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। भारत के खिलाफ लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहे ओली से पहले ही उनकी पार्टी सवाल पूछ रही थी। पार्टी के अंदर प्रचंड सहित तमाम बड़े नेता तो ओली का इस्तीफा मांगने पर अड़े हुए हैं, लेकिन ओली लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। ओली ने दावा किया कि असली अयोध्या, जिसका प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णन है, वो नेपाल के बीरगंज के पास एक गाँव है, वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। बस नेपाल के पीएम के इतना कहने की देरी थी कि उनके अपने देश के लोगों ने उनको आड़े हाथों ले लिया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ट्वीट किया, आदिकवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। वहीं ओली के करीबी और उनके पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके प्रोफेसर कुंदन आरएल ने ट्वीट किया, ओली ने ये क्या कह दिया, क्या वे भारत के न्यूज चैनल से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वहीं ओली के इस बयान पर भारत से तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है। नेपाली पीएम के इस बयान के बाद दिल्ली में नेपाली एम्बेसी के बाहर नेपाल के लोगों ने कल शाम प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, नेपाली पीएम ओली अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे कठपुतली हैं जो चीन की लाइनें बोल रहे हैं। जो वे बोल रहे हैं वो नेपाल की तरफ से पहले कभी नहीं कहा गया। नेपाल से अयोध्या सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन वे उसे अपना हिस्सा बता रहे हैं। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के अयोध्या वाले बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार जवाब देगी, श्रीराम तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।